हेलो नमस्कार दोस्तों झगड़ियो बोलाचा। तो हमारा आज ब्लॉगर शुरुआत हम रानीखेत से हम जा रहे हैं कैंची धाम मंदिर में दर्शन करने के लिए आफ्टर लॉन्ग टाइम। और आज हमने कहा क्यों ना इस मस्त से मौसम में कैंची धाम बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं और दर्शन भी हो जाएंगे और आपको भी बहुत टाइम बाद ब्लॉग भी आ रहा है। ये देखो सामने से क्या हरा भरा क्या मस्त लग रहा है। बारिश के कारण ना आजकल बारिश का मौसम है तो उसकी वजह से इतना वो था हर जमीन में पूरा हरा भरा घास उठी पूरी। तो ये काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा है, ऐसे मौसम में ही मज़ा आता जाने में। और मोड पे थोड़ा सेफ्टी से चलना चाहिए। और ये देख सकते हैं बाकी लोग भी आए हैं घूमने के लिए हमारे उत्तराखंड में। काफ़ी ज़बरदस्त का माहौल होने वाला है कैंची धाम में भी आज। ये देखो दोस्तों क्या माहौल और क्या ज़बरदस्त का। हम पहुँचे हैं विशालकोट, वो रोड जा रही थी ऊपर विशालकोट को जा रही थी। और आगे से माहौल देखो क्या ज़बरदस्त का और क्या माहौल, बारिश होने वाली है बहुत भयंकर वाली। बादल आए हैं पूरे नीचे आए हुए आवाज़ हवा भी बहुत भयंकर वाली चल रही है। पता नहीं हवा इतनी तेज क्यों चल रही है, हवा इतनी तेज चल रही है, हम इतने तेज चल रहे हैं पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तो आराम से ही चल रहे हैं। जाना है यहाँ से 5 किलोमीटर और हमें जाना है कैंची धाम मंदिर। कैंची धाम मंदिर जय बाबा नील करोली महाराज। ये देखो रेंट वाली स्कूटी, जो रेंट की स्कूटी को लेके आए हैं। जो लोग बोलते हैं ना पहाड़ों में क्या है भाई, यही सुकून है पहाड़ों में, सुकून। ये सुकून वाली जिंदगी है पहाड़ों में, हरा भरा शुद्ध हवा और जगह हरे भरे पेड़ पौधे। और ये देखो पहाड़ में हरे भरे, यह है V4 महेश्वर डोमिनार कैंची धाम, यहाँ से 22 किलोमीटर है। अभी हम पहुँच चुके हैं पाथरी पर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हमारे बस ड्राइवर रुके हुए हैं खाना खाने के लिए। काफ़ी फेमस जगह है यहाँ पर, आप यहाँ पर खाना वगैरह खा सकते हैं। यहाँ पर आके भी काफ़ी ज़बरदस्त लगता है मुझे कि यहाँ जो पहाड़ जो दिखते हैं ना खतरनाक वाले, अल्टीमेट लगते हैं अल्टीमेट एकदम। और जो ये वाली रोड है ना नीचे वाली है, और यहाँ से जाए आओगे तो सीधे ये तुम्हें छोड़ेगी वहाँ पर बिक्का सैन से आगे छोड़ेगी शायद, बिक्का सैन से थोड़ा पीछे ये रोड हुआ हुआ है। अभी ध्यान नहीं आ रहा उसके भाव का, ध्यान नहीं आ रहा अभी। हाँ रिची पर ये रोड आपको छोड़ेगी नीचे वाली, बाकी नदी देख सकते हैं नीचे से। और यहाँ पर पहाड़ देख सकते हैं सामने से, बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं काफ़ी हरा, वो भी हरे भरे जबरदस्त वाले। और कैंची धाम के बहुत पास हैं हम अभी। यहाँ पर देख सकते हैं रोड में ऐसे गाय हाय पर ऐसी छोड़ रखे हैं, ये रिस्की काम है बहुत। और जिससे गाय है थोड़ा संभाल कर रखे हैं, गाय को रोड में ना छोड़ें, क्योंकि ट्रकें हरकें बहुत रोडी आते हैं तेजी से आते हैं तो उसमें बहुत रिस्क होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये नैनीताल का दूसरा रूप है यहाँ पर रोड में। और वो आगे से देखो बादल ऐसे होते हैं खतरनाक वाले, क्या बताएं आपको। और अभी हम पहुंचने वाले हैं गर्म पानी पर, और सामने से देखो क्या मस्त लग रहा है पूरा हरा भरा। भूमिया देवा मंदिर, ये भीमताल का टोटल आई है यहाँ पे। और नीचे ये नदी है। अभी है थोड़ा ऑफ रोडिंग, यहाँ पे रोड की हालत ऐसी होगी ना क्योंकि यहाँ पर ऊपर से पत्थर वत्थर गिरने का बहुत रिस्क रहता है। जो थोड़ा बाहर से आते हैं तो संभल के हैं ये वाली लाइन में, आज का ये लाइन में संभल के हैं, क्योंकि ये लाइन में ना पत्थर वगैरह बहुत गिरते हैं, बड़े बड़े पत्थर गिर के आते हैं ऊपर से। थोड़ा संभल के आए, रिस्क ना लें, आराम आराम से आए। तो ये है सीन यहाँ का। और अभी हम पहुँच गए हैं गर्म पानी में, यहाँ पे है नैनीताल 30 किलोमीटर, हमें नैनीताल जाना ही है तो क्यों हम ध्यान दें कैंची धाम है यहाँ से 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर और जाना है हमने कैंची धाम मंदिर पर। और बाबा जी के दर्शन वगैरह करते हैं वहाँ पर, और बारिश की छीटें भी गिरने लग गए हैं। अभी हम पहुँच गए हैं गर्म पानी यहाँ पर भवाली पर, गर्म पानी पूल में नई वाली पूल में, और बारिश की छीटें भी गिरने लग गए टावर तोड़ वाले। थोड़ा बारिश ना आए वह वहाँ पहुँचने तक बारिश ना आए बस, उसके वहाँ पहुँच जाएंगे तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, बस मेन दिक्कत है वहाँ पहुँचने का। लोग जी पहुँच गए हैं गर्म पानी। अब
बाजार से निकलते हैं बाहर, फिर मिलते हैं आपको। जैसे हम पहुंचे गए यहाँ गर्म पानी पे, और यहाँ जब बारिश लगने लग गई, भैया हम आता तो लाए हैं सेफ्टी के लिए, पर यह है कि ये मज़ा नहीं आता ना बारिश, बारिश से आने लगी है। भगवान पहुंचा दे, कैसी धाम मंदिर पहुंचा दे बाबा, बाबा जी पहुंचा दो, बारिश ना आए भाई वही बेहतर है, ये तो हमें बहुत पछताना पड़ेगा, मज़ा नहीं आता ना यार रास्ते में बारिश आए तो। देवर वहाँ पहुँच जाए सब कुछ, उसके बाद बारिश आई थी चलेगा, मौसम ऐसा अंधेरा हो गया ना, अंधेरा खतरनाक वाला। एक बात यह है कि जब उत्तराखंड में हाई अलर्ट बताते हैं ना, उस टाइम बारिश नहीं होती, और जैसे हाई अलर्ट बंद हो जाता है उसके बाद से जो भयंकर बारिश होती है ना भाई गॉड, यही बताएं। अलग ही वो है भयंकर, यहाँ की अलग ही साइंटिस्ट हैं यहाँ, जैसे हाई अलर्ट बता रखा था कि 3 तारीख तक बता रखा था शायद, पहले 3 तारीख तक तो इतनी बारिश हुई नहीं, अब 3 तारीख जैसे ही ख़त्म हो गई उसके बाद की बारिश शुरू, बारिश को भी शायद पता रहता है सब, ये वहाँ हाई अलर्ट बता रखा है, बच्चों की छुट्टी है तब तक आज बच्चों को रेस्ट करने दो, घूमने दो उनको, जैसे हाई अलर्ट बंद हो जाता है और ख़त्म हो जाता है और स्कूल खुलने लग जाते हैं वैसे ही बारिश शुरू हो जाती है, तो ऐसा माहौल है कुछ, बारिश लगने शुरू हो गई है, बारिश थोड़ा तेज हो रही है, पहले तो हल्की हल्की क्या थोड़ा तेज बढ़ती जा रही है, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं तब बारिश भी तेज होती जा रही है। आप देखो दगड़ियों माहौल, देखो माहौल जो ऐसा आगो नहीं भयंकर वाल, बारिश लग गई रे बाबा, बारिश लग गई और ऐसी लग गया, ऊपर से बारिश लग के आ रही है, क्या कर रहा है, गड़बड़ कर दिया बारिश ने माहौल, गड़बड़ ऐसा है बारिश का माहौल। और कैंचीधाम भी हम पहुंचने वाले हैं और जल्दी पहुंच जाएंगे कैंचीधाम मंदिर में, और बारिश भी लगनी शुरू होगी है, थोड़ा तेज की होगी बारिश, तो मिलते हैं आपको डायरेक्ट कैंचीधाम मंदिर में, भीम करोड़ी बाबा जी के दरबार में। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं नीम करोड़ी बाबा जी के मंदिर में, और बारिश का मौसम भी और क्या है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इधर को देखो भीड़ कितनी लगी हुई है, और काफ़ी मस्त वाला मौसम और क्या है, और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा हरा भरा चारों तरफ से, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और पुल में भी थोड़ा बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, और इधर देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है चारों तरफ से, और पीछे मुड़ के दिखाता हूँ आपको, इधर को भी देख सकते हैं आप पूरी खतरनाक वाली और क्या है भीड़, और मौसम देखो क्या मस्त वाला हो रखा है, बारिश की बूंदें गिरने लग गई भाई, इतना बारिश हो रखी है कि पूरा नीचे गीला गीला हो गया है, इतनी बारिश हो रखी है यहाँ पर देख सकते हैं आप। बाकी आप भी दर्शन करें कैसे हम मंदिर का, और बाबा जी का दर्शन करें, और बाकी हमारे चैनल पर बने रहें ऐसी। तो दोस्तों फाइनली दर्शन करके आ चुके हैं मंदिर से, नीम करोड़ी बाबा मंदिर से, और आपने देखा ही होगा कि भीड़ कितनी भयंकर लगी हुई थी वहाँ पे, और बाकी दर्शन वगैरह पे कर लिए हैं और आप लोगों को करवा दिए हैं बाबा जी के दर्शन, और बाकी आप चल रहे हैं वापस रानीखेत की तरफ को भाई, यही दिखाना था आपको आज के राइड आज के ब्लॉग में कि हमने बहुत टाइम हो गया था, हमने कहा क्यों आज बाबा जी के दर्शन करके आते हैं, और बाबा जी के दर्शन करके भी आ चुके हैं मस्त करके, और आप चलते हैं धीरे धीरे करके रानीखेत की तरफ को। बाकी दोस्तों आपको ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपको अगले से प्यार से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, देवी में प्रार्थना, जय श्री राम।